नमस्कार दर्शकों, पिछले सप्ताह की खास बड़ी खबरों और मुद्दों पर आपकी अपनी सोच और रवैये के साथ मैं खास कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे भारत के संविधान में हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। हमारे देश में, समाज में, परिवार में अगर कुछ गलत हो रहा है तो उस मुद्दे या खबर पर अपने विचारों को व्यक्त करने में आम और खास व्यक्ति का कोई बंधन नहीं है। तो चलिए आपको रूबरू करवाता हूँ देश दुनिया की सनसनी खबरों से। राज्य में आने और जाने को वेब पोर्टल्स में पंजीकरण जरूरी। राज्य से दूसरे राज्यों में आने और जाने की सोच रहे लोगों को सरकार द्वारा जारी वेब पोर्टल में खुद का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। रजिस्ट्रेशन के बाद ही परिवहन व्यवस्था व कोरोना वायरस ठीक से मॉनिटरिंग हो पाएगी। पीएम मोदी ने शुरू की स्वामित्व योजना, लॉन्च किया ग्राम स्वराज पोर्टल और ऐप। पीएम मोदी ने लॉकडाउन के बीच ग्राम पंचायतों के प्रमुखों को संबोधित किया और स्वामित्व योजना की शुरुआत की। ग्राम स्वराज पोर्टल और ऐप भी लॉन्च किया गया। यह एक तरीके से पंचायतों के संपूर्ण डिजिटलीकरण की शुरुआत है। कोविड 19 संक्रमण के नए मामलों की रफ्तार में जल्द ठहराव की संभावना। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल का मानना है कि कोरोना वायरस संक्रमित लोगों की संख्या में बेशक बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन इनमें अब जल्दी ही किसी भी दिन से स्थिरता आनी शुरू होगी। नेपाल में 5.3 तीव्रता के भूकंप के झटके, जानमाल का नुकसान नहीं। नेपाल में देर रात मध्यम तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता 5.3 मापी गई है। राष्ट्रीय भूकंपीय केंद्र ने बताया कि भूकंप के झटके रात 11 बजे कर 53 मिनट पर महसूस किए गए। इसका केंद्र राजधानी काठमांडू के 180 किलोमीटर पूर्व दोलखा जिले में था। भूकंप से फिलहाल जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले के बाद अमेरिका छोड़ने को मजबूर हजारों नेपाली। ट्रंप प्रशासन ने करीब 9000 नेपाली आप्रवासियों को प्रास अस्थाई संरक्षण दर्जा को समाप्त करने का फैसला किया है। अधिकारियों ने उन्हें देश छोड़ने या किसी और जगह पर जाने को कहा है। मानवीय संकट और पर्यावरण संबंधी आपदा से जूझ रहे देशों के लोगों को अस्थाई संरक्षण दर्जा यानी TPS की सुविधा दी जाती है, क्योंकि लोगों को इन कारणों से स्वदेश लौटने में दिक्कत पेश आती है। 15,000 से कम सैलरी वालों का जून जुलाई अगस्त का EPF सरकार देगी। आत्मनिर्भर भारत के लिए मोदी सरकार के 20 लाख करोड़ के विशेष पैकेज को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बताया कि इस पैकेज के तहत किस सेक्टर को कितना पैसा दिया जाएगा। इसमें MSME, NBFC, MFI, डिस्कॉम, रियल एस्टेट, टैक्स और कॉन्ट्रैक्टर्स को राहत देने के लिए घोषणाएं शामिल हैं। पीएम मोदी ने देश से कहा, हमने कोरोना की विपदा को अवसर में बदला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में कोरोना संकट से निपटने के लिए आत्मनिर्भर भारत का मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर होने के मतलब आत्मकेंद्रित होना नहीं है। उन्होंने कहा, एक राष्ट्र के रूप में हम महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़े हैं। नरेंद्र मोदी ऐप पर बनेगा स्थायी पुस्तक कॉर्नर, प्रधानमंत्री ने नाम सुझाने को कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुस्तक पढ़ने के महत्व को रेखांकित करते हुए नरेंद्र मोदी ऐप पर एक स्थायी पुस्तक कॉर्नर बनाने का विचार व्यक्त किया और लोगों से इस पुस्तक कॉर्नर के लिए नाम सुझाने को कहा। आकाशवाणी पर प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछली बार प्रेमचंद जी की कहानियों की एक पुस्तक पर चर्चा के दौरान हमने तय किया था कि जो भी किताब पढ़े उसके बारे में कुछ बातें नरेंद्र मोदी ऐप के माध्यम से सबके साथ साझा करें। कोरोना की आड़ में डॉक्टरों और अस्पतालों पर हमला कर सकते हैं आतंकवादी। यूरोपीय संघ के आतंकवादी रोधी अधिकार ने कहा कि चरमपंथी अपने एजेंडे के प्रसार के लिए कोरोना वायरस महामारी का इस्तेमाल एक अवसर के रूप में करना चाहते हैं और वे इस दौरान हमले भी कर सकते हैं। कोरोना वायरस की वजह से जापान में सुमो पहलवान की मौत। 10 अप्रैल को पाए गए थे पॉजिटिव।
कोविड 19 के कारण जापान के एक सुमो पहलवान की मौत हो गई है। जापान सुमो संघ यानी JSA ने बुधवार 13 मई को इसकी जानकारी दी। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार 28 वर्षीय पहलवान सोबिशी की मौत का मामला कोविड 19 के कारण किसी सुमो पहलवान की मौत का पहला मामला है। जापान के डिप्टी पीएम बोले, WHO का नाम बदलकर चीन स्वास्थ्य संगठन कर देना चाहिए। जापान के उप प्रधानमंत्री तारो असो ने कहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का नाम बदलकर चीनी स्वास्थ्य संगठन होना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर चीन को लेकर इस वैश्विक संस्था के नजरिए पर सवालिया निशान खड़े किए। रामायण के बाद दूरदर्शन पर कल से प्रसारित होगा श्री कृष्णा, ये है प्रसारण का टाइम। लॉकडाउन के दौरान घरों में समय बिता रही देश की जनता अब एक और लोकप्रिय धार्मिक धारावाहिक देख सकेगी। दूरदर्शन नेशनल चैनल पर अब 3 मई से श्री कृष्णा का प्रसारण शुरू होगा। उन्होंने शनिवार को ट्वीट कर कहा, कल रविवार 3 मई से रोज रात 9 बजे देखें भगवान श्री कृष्णा के महिमा की कथा। श्री कृष्णा केवल DD नेशनल चैनल पर जरूर देखें। 5 मई के 193 पाकिस्तानी नागरिकों को उनके वेतन भेजेंगे केंद्र सरकार। बाहरी राज्यों के मंत्रालय ने राज्य पुलिस प्रमुखों को बताया कि अगले हफ्ते कोविड 19 लॉकडाउन के कारण भारत के 10 राज्यों में फंसे 190 पाकिस्तानी नागरिकों को अटारी वाघा क्रॉसिंग से बाहर निकालने की अनुमति दी गई है। पाकिस्तानी नागरिकों को मंगलवार 5 मई की सुबह अटारी वाघा सीमा पर पहुंचने के लिए कहा गया है। यहां उनकी वापसी की औपचारिकता आव्रजन और सीमा चौकी पर शुरू होगी। ग्रीन जोन में आने वाले जिलों में खुलेंगी शराब की दुकानें, 2 गज की दूरी होगी जरूरी। देश में कोरोना वायरस के प्रसार को देखते हुए लॉकडाउन को फिर से बढ़ाकर 4 मई से 17 तक कर दिया गया है। इस अवधि में सामान्य गतिविधियों को लेकर नई गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं। इंडिया में कोरोना से मौत में महाराष्ट्र टॉप पर, लेकिन दूसरे नंबर पर UP, दिल्ली या तमिलनाडु नहीं गुजरात है। देश में कोरोना से मौत के मामले में 72 डेथ के साथ महाराष्ट्र टॉप पर है, लेकिन दूसरे नंबर पर गुजरात और मध्य प्रदेश है, जहां 16-16 मरीजों की जान गई है। जबकि ये दोनों राज्य मरीजों की संख्या में मामले में देश में 10वें नंबर पर हैं। गुजरात से ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव केस दिल्ली, UP, तमिलनाडु जैसे राज्यों में हैं, लेकिन मौत वहाँ कम हुई है। घाटी से 5,000 प्रवासी मजदूर जम्मू पहुँचे। कश्मीर में काम करने वाले दूसरे राज्यों के मजदूर अब घाटी छोड़ने लगे हैं। राज्य का विशेष दर्जा खत्म किए जाने के बाद बने हालात के कारण ये लोग घर लौटने को मजबूर हैं। 2 दिनों के भीतर करीब 5,000 प्रवासी मजदूर घाटी से जम्मू पहुंचे हैं। हवाई यात्रा के लिए बनाए गए नियम, एयरपोर्ट पर अब करना ही होगा इन नियमों का पालन, तभी मिलेगी एंट्री। ट्रेन के बाद अब विमान सेवा भी शुरू होने का जारी हो रही है। लॉकडाउन के तीसरे चरण 17 मई की समाप्ति के बाद घरेलू विमान सेवा शुरू होने की एयरपोर्ट अधिकारियों ने संभावनाएं जताई हैं। इसके लिए वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। हालांकि विमान संचालन को लेकर केंद्र सरकार के आदेश का इंतजार भी किया जा रहा है। हिमाचल में 1.5 लाख करदाता राशन सब्सिडी से बाहर, पढ़ें कैबिनेट के बड़े फैसले। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक बुधवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में केंद्र सरकार की ओर से लॉकडाउन के कारण अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावी से निपटने के लिए देश के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा के लिए PM नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया गया। देश में वैक्सीन के विकास के लिए 100 करोड़ मंजूर। कोरोना से जंग के लिए प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन यानी PM केयर्स फंड से 3100 करोड़ रुपए की पहली किश्त जारी की गई है। अमेरिका में 24 घंटे में 1800 मौतें। WHO ने कहा, कोरोना शायद कभी ना जाए। दुनिया वैश्विक महामारी कोरोना के कहर से लगातार जूझ रही है।
इस वायरस से मरने वालों की संख्या 2,92,000 से ज़्यादा हो गई है और संक्रमितों की संख्या 43,42,000 से ज़्यादा हो गई है। कोरोना से सबसे ज़्यादा प्रभावित देश अमेरिका में मृतकों की संख्या 83,000 को पार कर गई है और 14,08,000 से ज़्यादा लोग संक्रमित हैं। दोगुना होने की दर कम नहीं हुई तो बेतहाशा बढ़ेंगे मरीज। लॉकडाउन के चौथे चरण में छूट मिलने के साथ सामान्य जीवन पटरी पर लौटने की उम्मीद है, लेकिन मरीजों की बढ़ती संख्या कुछ और ही इशारा कर रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर मरीजों की संख्या दोगुनी होने की दर कम नहीं हुई तो अगले कुछ माह में मरीजों की संख्या में बेतहाशा बढ़ोतरी हो सकती है। विजय माल्या का ट्वीट, 20,00,000 करोड़ की आर्थिक पैकेज के लिए बधाई, पर मेरा पूरा कर्ज वापस ले सरकार। भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या ने एक ट्वीट करके भारत सरकार से कहा कि वह उसके 100% कर्ज चुकाने के प्रस्ताव को स्वीकार करें और उसके खिलाफ चल रहे मामले को बंद कर दें। लॉकडाउन सरकार की बिना तैयारी का एक संकटपूर्ण उदाहरण। मजदूरों के पलायन पर बोले पी चिदम्बरम। पी चिदम्बरम ने ट्वीट किया, केंद्र और राज्य सरकारें उन प्रवासी श्रमिकों के बारे में क्या कर रही हैं जिन्हें शहरों और कस्बों को छोड़ने की अनुमति दी गई थी और जो अपने गांवों में वापस जाने का रास्ता तलाश रहे हैं। कोरोना से जंग में सरकार का बड़ा ऐलान, टैक्सपेयर, व्यापारी, कंपनियां, कॉरपोरेट सबके रिटर्न और बोर्ड मीटिंग की आखिरी तारीख बढ़ी। भारत में कोरोना की वजह से लॉकडाउन के मद्देनजर सरकार ने आम लोगों को बड़ी राहत दी है। लॉकडाउन के बीच अगर आप इस परेशानी में हैं कि आप इनकम टैक्स रिटर्न कैसे भरेंगे और अपना आधार को पैन से कैसे और कब लिंक करवाएंगे, तो आपको यह अब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सरकार ने आम लोगों की परेशानी और लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए इन तारीखों को आगे बढ़ा दिया है। अमेरिका के साथ व्यापारिक मतभेद कम हो रहे हैं, जल्द व्यापार समझौता होने की उम्मीद। सीतारमण। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक मतभेद कम हो रहे हैं और दोनों देशों के बीच जल्द ही कोई व्यापार समझौता होने की उम्मीद है। उन्होंने भारतीय संवाददाताओं के एक समूह से कहा, मुझे जल्द ही कोई समझौता होने की उम्मीद है। आज की खास खबरों की पेशकश में बीते सप्ताह की बड़ी खास खबरों और संवेदनशील मुद्दों पर आम आदमी ने अपनी नकारात्मक और सकारात्मक सोच विचारों को सबके साथ साझा किया। आशा करता हूँ कि कल फिर आप हमारे साथ इन खबरों को साझा करेंगे और जुनून, जोश, उत्साह के साथ नई खबरों, मुद्दों पर अपनी बेहिचक टिप्पणी जाहिर करेंगे, क्योंकि भूलिए मत, आप भी इस राष्ट्र का, इस देश का, इस समाज का हिस्सा हैं और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। इसी के साथ वक्त है इजाजत लेने का। नमस्कार।